कानून की जो परिभाषा और जो सारा डिजाइन है वो सिर्फ क्रांतिकारियों पर आजादी मांगने वालों को हम उसके खिलाफ हैं और उस कानून को हटाने की हमने बहुत जोर मांग कर रखी। विधि आयोग ने भी हमारी मांग को सही माना है और विधि आयोग ने उसके बाद में एक लेटर जारी किया है, उसके ओपिनियन भी जारी किया। राष्ट्रीय कानून क्यों बना? सरकार के खिलाफ बोलते थे हिंदुस्तान के लोग जो क्रांतिकारी थे देश की आजादी के लिए। हम लोग स्वदेशी कानून सोसाइटी के अंतर्गत छठी लोक संसद कल कर रहे हैं। ये किसान भवन अनाज मंडी बीकानेर में होगी। उसका मुद्दा ये है कि जो अब तक अंग्रेजी उपनिवेशी कानून हम ढो रहे हैं, कुछ कानून तो मुगलों के टाइम के हैं, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त, इंतकाल, ये भाषा भी लोगों को समझ नहीं आती और वो सिस्टम भी मुगलों और अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए थोपे थे। उन कानूनों को कैसे हटाया जाए उस पर हम चर्चा करेंगे। ख़ास तौर से हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा जो पिछले साल 3 कानून खेती और मंडी के संबंध में बनाए थे, वो 1908 की CPC की तर्ज पर है। उसके बारे में हम पक्ष और विपक्ष में सबसे चर्चा करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि इन कानूनों के बारे में क्या